नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल समेत आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। वहीं बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। हालांकि बिहार सरकार हर साल बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों को हुए नुकसान और किसानों को फसलों के नुकसान को लेकर मुआवजे की राशि देने का काम करती रही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले जानवरों के लिए भी मुआवजे की राशि देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक और इससे संबंधित 8 संघों के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद बताया गया है कि बाढ़ के कारण पशुओं की जान जाने पर बिहार सरकार की तरफ से 35,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 3 पशुओं के लिए अनुदान की सहायता की गई है। इसके साथ ही उन्होंने आयोजित बैठक में कॉम्फेड की प्रणाली को और बेहतर बनाने, साथ ही किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए और उनके हितों के उन्नयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में दूध जांच मशीन, दूध उत्पादक का बीमा, पशुओं का बीमा और पशु खरीद के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए योजना बना ली गई है। साथ ही पशु आहार पर अनुदान देने के लिए कार्य योजना कॉम्फेड के माध्यम से तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ही बैठक में शाहबाद दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड आरा के प्रबंध निदेशक शिवेंद्र कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सोन नदी के तट पर स्थित रोहतास देहरी प्रोजेक्ट में बाढ़ के कारण कटाव की स्थिति बनी हुई है, इसको रोकने की जरूरत है। इसको लेकर जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में बाढ़ की चपेट में 25 से ज्यादा जिले हैं। हालांकि लगभग 10 ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ ने कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रखी है, जिसके कारण ही गांव वालों को बिहार सरकार की तरफ से आयोजित राहत शिविर केंद्रों में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उत्पन्न हुए बाढ़ के हालात के बीच प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव चलवा दी गई है। इसी बीच हाल ही में बिहार के 3 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में एक संयुक्त रैपिड नीड्स असेसमेंट सर्वे किया गया था, जहां इस बात का खुलासा हुआ है कि बाढ़ के कारण कईयों के घर टूट गए हैं, शौचालय पानी में बह गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। ज्ञात हो, जून महीने के मध्य से ही राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत नेपाल सीमा से लगे गांव में अचानक बाढ़ आ गई। इस साल राज्य के कई जिले बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा जिले में लगभग 1 पखवाड़े से बागमती, गेहूमी और कमला नदियां उफान पर हैं। जिले के 6 ब्लॉक के 79 गांव बाढ़ प्रभावित है और 58,000 की आबादी पर इसका असर पड़ा है। इसके साथ ही गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी चंपारण जिले में अचानक से कई बार बाढ़ आ गई है। जिले में वीडियो बनाए जाने तक 50 से ज्यादा गांव को प्रभावित किया गया है और इस बार जिले में वीडियो बनाए जाने तक 50 से ज्यादा गांव के प्रभावित होने की खबर सामने आई है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में भारी बारिश हुई है। वहीं इस साल 1 जून से मध्य जून तक 69% बारिश हुई है। सामान्य से 46% अधिक बारिश होने के कारण फिलहाल बिहार के जिलों को अलर्ट मोड में ही रखा गया है। हालांकि बिहार सरकार अपनी तरफ से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटी हुई है, जिसके तहत सरकार ने कई राहत शिविर का आयोजन भी अब तक करवा दिया है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।